नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आप जो है मेरा खास कार्यक्रम देख रहे हैं जिसका नाम है वास्तु फॉर मिथ एंड रियलिटी। साथियों, वास्तु में क्या मिथ है और क्या रियलिटी है, इसके बारे में हम बात करते हैं। आज का हमारा एक खास टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे, ये है रेस्टोरेंट के बारे में, फूड इंडस्ट्री के बारे में। अगर आप डील कर रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में, किसी ऐसे होटल में या किसी ऐसी जगह पर जिसमें कि आप फूड सर्व करते हैं, तो फूड इंडस्ट्री वालों के लिए खास वीडियो है। आपको बताऊंगा छोटे छोटे टिप्स, आपको 6-7 टिप्स बताऊंगा जिससे कि आपका जो फूड इंडस्ट्री है, जो भी आपका काम है फूड का, बहुत अच्छा चले और आपको समस्या ना आए। साथियों, अगर आपके पास एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको कहते हैं फूड इंडस्ट्री, अगर आपका रेस्टोरेंट है, आपका कोई ऐसी जगह है जहां पर कि आप फूड में डील करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए खास है। इसमें कुछ बातें ध्यान से अगर आप सुनेंगे वास्तु के अनुसार, तो आपकी जो फूड इंडस्ट्री है वो औरों से बेटर परफॉर्म करेगी। साथियों, बहुत सी बातों में से सबसे पहले आप नोट करें, पहली बात तो यह है कि अगर आपके पास जो है ऐसा रेस्टोरेंट है या ऐसा आपके पास फूड कॉर्नर है जिसमें कि आप फायर यूज़ करते हैं, अग्नि यूज़ करते हैं, तो ध्यान रखें कि आपकी जो भट्टी है या आपकी जो कॉफ़ी मशीन है या आपकी कोई ऐसी चीज़ जिसमें कि आप हीट यूज़ कर रहे हैं, हमेशा रखें आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में, और कुछ इस तरह से सेट करें कि आपका फेस जो है वो रहे ईस्ट की तरफ, तो सबसे बढ़िया रहता है फूड इंडस्ट्री के लिए। इसी तरह से आपकी फेसिंग कोई भी हो, आपकी एंट्री कहीं भी हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, साउथ हो, वेस्ट हो, आप अपने बैठने की जगह बनाएं साउथ वेस्ट में, जिसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम। और अगर पैसे की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बैठ के आपने पैसा कमाना है, तो पैसा कमाने के लिए, मनी की बात करने के लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन होती है नॉर्थ, जिसको हम कहते हैं उत्तर दिशा, जो होती है कुबेर के साथ जिसका संबंध होता है बहुत गहरा। तो आप नॉर्थ में फेस करके बैठें, साउथ वेस्ट में बैठें, साउथ ईस्ट में अपने लगाएं अपनी भट्टी या अपनी कोई भी फायर प्लेस होता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा कोशिश करें कि आपके जो है जितने भी मैक्सिमम आपके पास कस्टमर्स आते हैं वो नॉर्थ या ईस्ट से आएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर साउथ फेसिंग आपका रेस्टोरेंट है तो साउथ ईस्ट कॉर्नर में एक दरवाज़ा लगाएं जिसमें से होकर के सब लोग आएँ, तो उनकी एंट्री ईस्ट की तरफ से हो जाएगी। अगर आपका वेस्ट फेसिंग रेस्टोरेंट है तो नॉर्थ वेस्ट में आप जो है मेन एंट्रेंस लगाएं, जिससे कि नॉर्थ में से घूमते हुए आपके सभी जितने भी आपके कस्टमर हैं वो सबके सब एंटर करें। जितने भी फूड की टेबल आप लगाते हैं तो कोशिश करें कि नॉर्थ और साउथ ना लगाएं। अगर आपको दो साइड लगानी है तो ईस्ट और वेस्ट इज़ बेटर देन नॉर्थ एंड साउथ, क्योंकि नॉर्थ साउथ में क्या होता है कि नॉर्थ फेसिंग इज़ पॉजिटिव फॉर टेकिंग फूड, आप खाना खाते हुए आपका अच्छा रहेगा फेस, लेकिन साउथ आपका नेगेटिव बनता है, तो वन पॉजिटिव वन नेगेटिव बिकम जीरो। जबकि अगर आप ईस्ट और वेस्ट फेस करते हैं, करवाते हैं अपने जो है कस्टमर्स को, जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, आपके पास लोग आते हैं वहाँ पर एंजॉय करने के लिए आपका बनाया हुआ फूड, तो उनका ईस्ट वेस्ट का जो फेस होता है उसमें ईस्ट इज़ पॉजिटिव एंड वेस्ट इज़ न्यूट्रल, उसके बाद भी पॉजिटिव रहता है, तो दूसरा फार्मूला ये है। थर्ड, ये कोशिश करें कि अपने रेस्टोरेंट के अंदर जो भी कलर्स यूज़ करते हैं आप, मैक्सिमम उसके अंदर जाए हॉट कलर यूज़ करें, जैसे कि रेड यूज़ करें, ऑरेंज यूज़ करें। ऐसी बहुत सी फूड इंडस्ट्री हैं जो कि रेड एंड ऑरेंज को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा बहुत से जितने भी खाने की जगह होती है वहाँ पर यूज़ करें, बरिस्टा जो है वो हमेशा ऑरेंज कलर यूज़ किया करता है, और इसके अलावा बाकी जितने भी फूड इंडस्ट्री हैं वो सबके सब रेड कलर यूज़ करते हैं। कोशिश करें कि आपकी फूड इंडस्ट्री, अगर आपका रेस्टोरेंट आपके पास में है, चाय कॉफ़ी शॉप है, अगर आपने कुछ ऐसा आउटलेट बना रखा है जहां पर कि फास्ट फूड में डील कर रहे हैं, तो ब्लू कलर बिल्कुल ना लगाएं, नीला रंग अपने रेस्टोरेंट में बिल्कुल ना आने दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो ब्लू कलर होता है वो पॉइजन को शो करता है। साथियों, कभी दही खराब हो जाती है, कभी कुछ खराब होता है घर में, तो उसके ऊपर जो है ब्लू कलर उसके ऊपर आता है, नीला रंग आता है, पॉइजन को इंडिकेट करता है, भूख को ख़त्म करता है। जबकि ऑरेंज कलर हो गया, रेड कलर हो गया, येलो कलर हो गया, डार्क येलो कलर, ये जो है भूख को बढ़ाते हैं और आपकी जो है आमदनी को, आपकी सेल्स को जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, कस्टमर को खुश करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है ये। लाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, कहते हैं कि ऊंची दुकान जो है ग्राहक को खा जाती है और जो छोटी दुकान होती है उसको ग्राहक खा जाता है। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसी फूड इंडस्ट्री, ऐसे बहुत से रेस्टोरेंट देखे होंगे जिसमें एंटर करते हैं तो अंधेरा अंधेरा सा होता है, कोई लाइट जल रही है, कोई नहीं जल रही है, कोई फ्लिकर कर रही है, कहीं पर कुछ भी है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो एंटर करने वाला कस्टमर होता है उसको बहुत अच्छी फीलिंग वहाँ पर नहीं आती। वास्तु ये कहता है कि जितनी अच्छी लाइट आपके पास में आएगी एंट्रेंस के ऊपर, उतना ज़्यादा इंप्रेस होगा आपका कस्टमर। जैसे ही आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर आपके रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करता है, नहा जाए पूरी तरह से लाइट से।
हाँ, अगर आपने कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है जिसमें कि आप जो है कैंडल लाइट डिनर कराते हैं, जहाँ पे लो लाइट में कराते हैं, वो तो दूसरी बात है, उसमें और भी कई तरह की चीज़ें सर्व की जाती हैं, वो खैर दूसरा टॉपिक हो गया। लेकिन आमतौर पे जो हेल्दी फूड होता है, जिसमें कि लोग अपने फैमिली के साथ जाते हैं, एंजॉय करते हैं, वहाँ पर एक अच्छी लाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, जहाँ पर खाना खाना है हमने बैठ के, जहाँ पर हमने फूड लेना है, वहाँ पर बहुत हैवी लाइट यूज़ ना करें। साथियों, इसके साथ साथ जो है, अगर आपका जो है कोई ऐसा आउटलेट है, ऐसा फूड आउटलेट आपके पास, या फूड सर्व करते हैं, जैसे कि हाईवे ढाबे होते हैं, साथियों इंडिया में ढाबे का, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में ढाबे का बहुत ज़्यादा चलन है। रोड साइड में जो है फूड आउटलेट होते हैं, वहाँ पे ढाबे बने होते हैं, हर तरह का फूड वहाँ पर मिलता है, गुजराती, राजस्थानी, साउथ इंडियन, पंजाबी, जितने भी होते हैं, हर तरह के फूड वहाँ पर मिलते हैं। और वहाँ पे आपके पास में कस्टमर आते हैं, चलते चलते कस्टमर वहाँ पे आके रुकते हैं। साथियों, फील गुड देने के लिए, उनको अपनापन देने के लिए, उनको वहाँ पे कंफर्ट देने के लिए आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वहाँ पर कुछ प्लांटर भी यूज़ करें, इंडोर और आउटडोर जो प्लांटर्स होते हैं, जितनी हरियाली एंट्रेंस के आसपास होगी, इवन अंदर भी, हॉल के अंदर जहाँ पर आपका जो है डाइनिंग हॉल होता है, वहाँ पर भी अगर आप कुछ पौधे यूज़ करते हैं, इंडोर वहाँ पर प्लांट यूज़ करते हैं, तो कस्टमर को वहाँ पर अच्छा फील वहाँ पर आता है। सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, टेबल को ब्लैक ना करें, जो टेबल टॉप होते हैं वहाँ पर अवॉइड करें कि वहाँ पर ब्लैक ना हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा वाइट या ऑफ वाइट कलर हो, तो सबसे अच्छा रहता है फूड इंडस्ट्री के लिए। कस्टमर खुश होता है वहाँ पर, प्रेज करता है, जाते हुए जो है आपकी डायरी के अंदर तारीफ लिख के जाता है कि मज़ा आ गया खाना खाने का यहाँ पर। ठीक है, आप चाहे रेट कुछ भी लेते रहें, बहुत बार रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन फूड भी बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे चुभता नहीं है। कहीं कहीं पर रेट बहुत कम होता है, लेकिन फूड की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार होती है। अगर गलत जगह पे किचन आपका बना हुआ है, किसी भी फूड इंडस्ट्री में, या कहीं रेस्टोरेंट में, या कहीं ढाबे में, अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में बना दिया कोई अपना रेस्टोरेंट का, ऐसी जगह जहाँ पर कि फायर यूज़ करें, तो साथियों मैंने तो ऐसा देखा है, बहुत सारे ढाबे फेल होते देखे हैं। लोगों ने खोला 6 महीने 1 साल, जैसे कैसे चलाया रोड होके, उसके बाद बंद कर दिया, दूसरा आया वो भी फेल हुआ, एक के बाद एक फेल होते चले गए। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो देख लेना ध्यान से, हो सकता है कि आपकी जो फायर प्लेस है, या तो नॉर्थ ईस्ट में या फिर साउथ वेस्ट में, जिसको हम कहते हैं नैऋत्य कोण, वहाँ पर बनी है। ये दोनों के दोनों पोजीशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती हैं किसी भी फूड इंडस्ट्री के लिए, जहाँ पर के फूड को कुक किया जाता है, पकाया जाता है। इसके साथ साथ ध्यान रखें एक खास फार्मूला, आपका जो कैश काउंटर होता है वो हमेशा नॉर्थ फेसिंग हो। जो आदमी कस्टमर से पेमेंट ले रहा है, वो जो है उसका फेस हमेशा नॉर्थ में होना चाहिए, तो सबसे अच्छा रहेगा। और बहुत सारे ढाबे में, बहुत सारे फूड इंडस्ट्री में, बहुत सारे रेस्टोरेंट के ऊपर आपने जो है लेडीज़ के, जेंट्स के लिए बहुत बार वहाँ पर टॉयलेट दिए होते हैं, वॉशरूम दिए होते हैं। साथियों, ये होने चाहिए मिडल ऑफ वेस्ट में। अगर मिडल ऑफ वेस्ट में नहीं है तो भी आपको जो है प्रॉब्लम आ सकती है, ईस्ट में ना हो, नॉर्थ में ना हो, बिल्कुल भी ना हो, और नॉर्थ ईस्ट में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपने शौचालय बना दिया तो साथियों वो भी फेल होने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है वास्तु के अनुसार। तो मिडल ऑफ साउथ में, मिडल ऑफ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में अगर आप बनाएंगे वॉशरूम, तो बहुत ज़्यादा कामयाबी आपको मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आप नया कहीं पर रहे, रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं, बड़ा ढाबा खोलना चाह रहे हैं कहीं पर, बहुत बड़ा खर्चा कर रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एक वास्तु कंसल्टेंट को बुला लें, भूमि की ऊर्जा को चेक करा लें। अगर भूमि की ऊर्जा कहीं पर 10,200 यूनिट से कम होगी तो साथियों फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी ज़मीन जो है वो भाग्यशाली होनी चाहिए, वो प्लॉट भाग्यशाली होना चाहिए जहाँ पर कि आपने काम करना। ऐसे आपने बहुत सारे ढाबे देखे होंगे, बहुत से रेस्टोरेंट देखे होंगे, लगाया बहुत, खूब खर्चा किया, लागत खूब लगा दी, सब कुछ ठीक है लेकिन चल नहीं रहा। अगर भूमि की ऊर्जा वहाँ पर नहीं है, अगर भूमि भाग्यशाली नहीं है, तो साथियों चलेगा नहीं वहाँ पर काम आपका, चाहे कोई भी काम आप कर रहे हो। इसके लिए आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, जिससे कि भूमि को चेक कर सकते हैं कि भूमि भाग्यशाली है या नहीं है। भाग्यशाली भूमि पर बनाएंगे तभी आपका जो लगाया हुआ पैसा फलीभूत होगा और कस्टमर आपका खुश होगा और आपका नाम नेशनल नहीं इंटरनेशनल चलेगा। और अब तो आप जो है अपने रेस्टोरेंट से या अपने फूड इंडस्ट्री से आप होम में भी सप्लाई कर सकते हैं, अपने घर यहीं पर बैठे बैठे आप अपने जो है लोगों में इतना प्रचार करें कि अपने घर, उनके घर पे भी आप फूड को सप्लाई करें, अच्छी क्वालिटी बनाएं, ईमानदारी से काम करें, बहुत अच्छा फूड साफ़ सुथरा बनाएं, एम्प्लॉई आपके साफ़ सुथरे हों और आपके मन के अंदर जो है कोई गलत भावना ना आए किसी भी ऐसी बात को लेकर के जिसमें कि आप ज़्यादा पैसा कमाएं लेकिन आपकी क्वालिटी अच्छी ना हो। और आप कोशिश करें जैसे सुबह सुबह जो है दिन निकलता है 3 बजे 4 बजे 5 बजे, तो कोई ना कोई भजन कीर्तन आरती गायत्री मंत्र अगर आप चलाएंगे उसमें, तो आने वाले जो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए आपके पास कस्टमर आएंगे, चाहे हाईवे पर चलने वाले हैं या डेली आपके पास आने वाले हैं, उनको जो अच्छी फीलिंग वहाँ पर आएगी, तो पॉजिटिविटी वहाँ पर क्रिएट होगी और आपको अच्छा लगेगा। आगे बढ़ने के लिए आपका कोई रास्ता रोकने वाला नहीं हुआ, विकास आपको अपने आप मिलेगा। साथियों, मेरे छोटे छोटे इन पॉइंट्स को आप अजमाइए और आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और आप याद करेंगे भारद्वाज जी आपने बहुत काम की बात बताई और मेरा भला हो गया।
साथियों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देता हूं, तो इनको आप लाइक करें, इनको शेयर करें, साथ में इनको सब्सक्राइब भी करें। जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में ऊपर एक बेल का चिन्ह वहाँ पर आएगा, एक घंटे का चिन्ह आएगा, उसको जो एक बार आप क्लिक कर देंगे तो मैं आपके साथ में चलता रहूँगा हमेशा और आपको देता रहूँगा नई नई जानकारी। अगले वीडियो में फिर आपके साथ मिलेंगे, आपसे मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, जिसमें आपको बताएंगे कुछ किसी और इंडस्ट्री के बारे में या किसी और बिजनेस के बारे में एक अच्छी अच्छी बातें, छोटे छोटे टिप्स होते हैं साथियों, बहुत लंबे लंबे नहीं होते, मुश्किल नहीं होते, इनको आप अजमाएं। अगले टॉपिक से मैं फिर आपसे मिलेंगे, किसी नई बात आपसे करेंगे, नया बताएंगे आपको बहुत अच्छा वास्तु विज्ञान के अनुसार। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।